हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके एमसीक्यू। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी के सामने मैं आज आरबी ग्रुप डी 2018 के और 135 शिफ्ट के जितने जिस जीके जीएस होते हैं उस सारे के क्वेश्चन करा रहा हूं। और मैं अभी आज आप लोग को 107 शिफ्ट कंप्लीट आज हो जाएगा इसको कंप्लीट करने के साथ साथ ही, और यह पार्ट 9 है आज। और आज जो है 107 शिफ्ट इस बुक से मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आज इस बुक की लास्ट क्लास होगी। बाद बाकी 28 शिफ्ट जो है आप लोग को बचे हुए हैं, वो 28 शिफ्ट यदि आप लोग को कंप्लीट करना है तो उस 28 शिफ्ट का मैं जो हूँ आप लोग को ऑफिशियली क्वेश्चन और आंसर से करा दूंगा। और इसमें भी जो भी इतने सारे क्वेश्चन आंसर दिए थे सारे ऑफिशियली ही थे। चलिए मैं आप लोगों से एक बात बता देता हूँ कि मेरी वीडियो की क्वालिटी ज़रूर थोड़ी लो होती है, बट इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल और यूजफुल क्वांटिटी होती है। तो आप लोग क्वालिटी पर ध्यान ना दें बल्कि क्वांटिटी पर ध्यान दें। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। 25 जनवरी 1948 का कौन सा दिन था? तो 25 जनवरी 1948 को जो था रविवार का दिन था। इस प्रकार के क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित हैं और रीजनिंग में पूछे जाते हैं। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्वेश्चन लिखकर मैं सॉल्यूशन देने का पूरा कोशिश करूंगा और 48 घंटे के अंदर आपको जवाब मिल जाएगा। और मैं आप लोग को बता देता हूँ, यदि आप लोग को PDF भी चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं और आरबी ग्रुप डी 2018 ऑल शिफ्ट के जो है PDF जो है आप लोग मांगिएगा। आप लोग को 24 घंटे के अंदर PDF प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी। तो जो भी आप लोग को चल रहा है सीरीज आप उसी की PDF मांगें, उसकी PDF मेरे पास अवेलेबल रहती है, मैं तुरंत उसे सेंड कर सकता हूँ। या फिर मैंने कुछ चीज़ें जिसकी कही है कि PDF मैं इसका दूंगा तो उसका ही PDF मांगें, मैं वो आप लोग को अवेलेबल कर सकता हूँ। अब जो चीज़ मैंने कराई नहीं है तो मैं उसका PDF तो आप लोग को दे नहीं सकता। चलिए हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। केंद्र सरकार ने नया कानून अधिनियमित किया है, बाल श्रम संशोधन अधिनियम 2016 सभी व्यवसायों और प्रक्रियाओं में किस वर्ष से कम आयु के बच्चों को की सेवा योजना पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पर सेवा योजना पर जो है प्रतिबंध लगाया गया। यदि एक वस्तु का संवेग 20% से बढ़ता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ेगी? उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वो 44% बढ़ेगी। यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाता है? पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। यदि उत्तर पश्चिम को उत्तर कहा जाता है तो पश्चिम को क्या कहा जाता है? पश्चिम को उत्तर पश्चिम कहा जाता है। पराकोष और पतंतु ये किसके भाग हैं? तो पुंकेश्वर के भाग हैं। 66 किलोमीटर/घंटा की रफ्तार से यात्रा करने वाली ट्रेन 33 सेकेंड में 465 मीटर लंबा पुल पार करती है। ट्रेन कितनी लंबी थी? ट्रेन जो है 140 मीटर लंबी थी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में अयस्कों का गर्म करने की क्रिया को कहा जाता है तो भंजन जो है कहा जाता है। किसने सर्वश्रेष्ठ नए कलाकार की श्रेणी में 60वां ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो एलिसिया कैरा ने 60वां ग्रैमी पुरस्कार जीता। किस समय पर घड़ी की दर्पण छवि प्रातः तीन बजे का समय दर्शाती है? प्रातः 9 बजे। वर्ग 3 आवर्त 6 में लैंथियम के साथ किन स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? तो लेंथोनाइड कहा जाता है। तने या जड़ का घेरा किसके कारण बढ़ता है? तो पार्श्व लैटरल विभुजता के कारण बढ़ता है। दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई है? तो दक्षिण कोरियाई देश में आयोजित की गई है। मैं आप सभी से बता दूं कि आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और जहां भी शेयर करने का आप लोगों को मौका मिलता है शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को जुड़ सके और मैं जो मेहनत कर रहा हूँ मुझे उस मेहनत का थोड़ा फल मिले। चलिए आप लोगों को जो है मैं आगे के क्वेश्चंस कराता हूँ। मैंने पहले ही बता दिया है जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम है आप लोग क्वेश्चन लिखकर व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं, आप लोग को वहाँ आंसर मिलेगा। दुनिया की पहली रोबोट इसकी प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की गई है? तो दक्षिण कोरिया में आयोजित की गई है। दरमान एम और 9M के दो निकाय समान गतिशील ऊर्जा के साथ स्थानांतरित हो रहे हैं, उनके रैखिक संदेश का अनुपात 1:3 होगा। मशीन द्वारा निरंतर विद्युत प्रदान किए जाने पर एक वस्तु सीधी रेखा में आगे बढ़ती है। वस्तु द्वारा समय टी में पार की गई दूरी किसके अनुपातिक होगी? तो टी पर पावर जो है 3/2 के
अनुपातिक होगी। एक परमाणु की किसी अन्य तत्व के परमाणु से बंधे होने पर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की सापेक्ष प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो वैद्युतीय ऋणात्मकता कहा जाता है। CO2 के सापेक्ष आणविक द्रव्यमान की गणना क्या होगी? तो 44U होगा। और आप लोगों को खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है तो मज्जा जो है नियंत्रित करता है। तो इस यौगिक को कभी कभी भोजन के जल्दी पकने के लिए उसमें डाला जाता है। यह एक हल्का असंक्षारक क्षार है। नीचे दी गई अभिक्रिया इसके निर्माण की क्रिया दर्शाती है। इस यौगिक का नाम बताएं। NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 यदि हम मिलता है तो यह क्या बनता है? सोडियम जो है बनता है। क्विक लाइम कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो CaO जो होगा कल्ली चूना का रासायनिक सूत्र होता है। सूत्र M बराबर H1 और H0 में M HI और H0 क्या दर्शाते हैं? तो M आवर्तन है, H1 प्रतिबिंब की ऊंचाई है, H वस्तु की ऊंचाई। CiBiAl का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन जो है इसका पूर्ण रूप है। सूत्र MH1HI/H0 में MH1 और H0 क्या दर्शाता है? तो M आवर्तन, H1 प्रतिबिंब की ऊंचाई, H वस्तु की ऊंचाई दर्शाता है। CiBiAl का पूर्ण रूप क्या है? तो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो लिमिटेड इन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड है। किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो सिक्किम में स्थित कंचनजंगा जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। थर्मल बैटरी बनाने की दुनिया की पहली सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो आंध्र प्रदेश में किया गया था। 72 किलोग्राम/घंटा की चाल को मीटर/सेकेंड में दर्शाने के लिए उसे क्या लिखेंगे? तो 20 लिखेंगे, तो उसे मीटर/सेकेंड में यदि हम चलेंगे, क्योंकि 572 को हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किलोमीटर/घंटा को मीटर/सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5/18 से मल्टीप्लाई किए तो 18 4 = 72, 4 5 = 20, तो यहाँ 20 आंसर आ गया। भारतीय संविधान की किस भाग के तहत गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो भाग 3 के तहत ऐसा किया गया। यदि विद्युत प्रवाह क्यू और समय टी दिया गया है तो विद्युत धारा आई का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आई का सूत्र I = Q/T होता है। मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स भी कराए हुए हैं आप लोगों को इस पे। किसका निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया था और ईस्वी 1648 के अंत में पूरा हुआ? तो ताजमहल का निर्माण जो है 1632 में शुरू किया गया, 1648 में पूरा हुआ। विलंब का सिद्धांत या हड़प नीति को किसने लागू किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू किया था। उपन्यास स्वामी एड फ्रेड्स के लेखक कौन है? तो आर के नारायण है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस बिलियन का रंग कैसा होता है? लाल होता है। ताल का प्रतिरोध किसमें किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रम के अनुपात में होता है। एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 m तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है। ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? तो 1000 मीटर/सेकेंड होगी। एक धातु को ऊपर की ओर 14 मीटर/सेकेंड की चाल से फेंका गया है और वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु द्वारा लिए गए समय की गणना करें तो 1.43 सेकेंड होगा। किस देश द्वारा 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई थी। एक मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात 7:1 है। इस मिश्रण के शेष 72 kg में सीमेंट मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी मिश्रण में अनुपात 6:1 हो। तो 1.5 kg ऐसा आंसर होगा। मानव शरीर के उर्वरीकरण की प्रक्रिया कहाँ होती है? तो डिम्बवाही नालिका में होती है। भारत का कौन सा राज्य कपास का अग्रणी उत्पादक है? तो गुजरात जो है कपास का अग्रणी उत्पादक राज्य है। मैक्सिको में आयोजित 2018 ISSF विश्व कप में शाहजार रिजवी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में स्वर्ण जीता। वे किस भारतीय राज्य में थे? तो उत्तर प्रदेश में वे थे। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत का निर्देशक कौन थे? तो संजय लीला बंसाली जो थे पद्मावत के निर्देशक थे। कौन सी भाषा अधिकांश स्थानीय लोगों द्वारा बोली जाती है और इसे कास्तेलानो भी कहा जाता है? तो स्पेनिश जो है बोली जाती है। बल बाय त्वरण बराबर क्या होता है? तो बल बाय त्वरण बराबर जो होता है वो द्रव्यमान होता है। और 2017 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। 2018 में
विश्व का सबसे बड़ा और उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? तो कर्नाटक में। इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर एस राधाकृष्णन है। 2017 में रिलीज हुई फिल्म हिंदी मीडियम के निर्देशक कौन है? तो साकेत चौधरी जो है हिंदी मीडियम फिल्म के निर्देशक हैं। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो संवहनी उत्तक कहा जाता है। 8वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ महिला हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2018 को किस हॉकी टीम ने जीता? तो रेलवे स्पोर्ट्समैन प्रोमोशन बोर्ड ने जीता। मैग्नीशियम के 144 ग्राम के कितने ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं? 6 ग्राम परमाणु मौजूद होते हैं। एक तत्व की आयन ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? केंद्र किए प्रभार पर निर्भर करती है। किस उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती है? इनमें घनी कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, पतली कोशिकाएं वित्तीय मुख्य नाभिक और कम रिक्तिकाएं होती है। विभिजोतक मेरिस्टेमेटिक जो होता है उसी में ये होता है। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल, एक बहुस्तरीय महल, सवाई प्रताप सिंह द्वारा किस ईस्वी में बनाई गई थी? 1799 ईस्वी में बनाई गई थी। 2018 में किस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में पुरुषों को फ्री स्टाइल श्रेणी में विनोद कुमार ओम प्रकाश ने कांस्य पदक जीता था? तो 70 kg में कांस्य पदक जीता था। जानवरों के किस फाइलम संघ को प्लेटवॉर्म चैप्टे कृमि भी कहा जाता है? तो प्लेटी हेलमेंथीज को जो है चैप्टे कृमि भी कहा जाता है। जानवरों के किस फाइलम संघ को प्लेटवॉर्म चैप्टे कृमि भी कहा जाता है? तो प्लेटी हेलमेंथीज को चैप्टे वर्मी कहा जाता है। कौन सी पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है? तो कंडरा पेशियों को जो है हड्डियों से जोड़ता है। विद्युत बल्ब का सूत्र फिलामेंट आमतौर पर टंगस्टन का क्यों होता है? इसकी उच्च प्रतिरोधकता तगलनांक के कारण जो है ये टंगस्टन का होता है। शुरुआती रॉक संगीत को रिकॉर्ड और प्रमोट करने वाले मॉम्फिस संगीत निर्माता कौन है? सैम फिलिप्स हैं। कौन सी धातु आयरन और क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं करती है? तो चांदी। एक कूली 100 मीटर की दूरी पर तक 500 न्यूटन का भार उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? उसके द्वारा किया गया कार्य 0 होगा। उत्तरी मैदान हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण में स्थित है। बोली लगाने से संबंधित पूर्व निर्माण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए किस मंत्रालय ने बोली दाता सूचना प्रबंधन प्रणाली बीम्स का शुभारंभ किया? तो केंद्रीय परिवहन मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय ने शुभारंभ किया। भारत का कौन सा राज्य जूट का अग्रणी उत्तक है? तो पश्चिम बंगाल जो जूट का अग्रणी उत्तक है। शीतन के साथ देता है तो वाष्पीकरण देता है। चांदी का अपेक्षित घनत्व 10.8 है। पानी का घनत्व 3 kg/kg/m² है। एसआई मात्रक में चांदी का घनत्व क्या होगा? 10.8 × 10³ kg/m³ होगा। क्लैमाइडियम किस किंगडम वर्ग से संबंधित है? तो किंगडम प्रोटिस्टा वर्ग से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में किसका उल्लेख है? तो मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है। गोल्डन फाइबर स्वर्ण तंतु के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूट को जाना जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 × 2H2O जो है जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? तो जेम्स हिकी ने पहला अखबार शुरू किया। तरल पदार्थ में प्रवाहकत्व कब शुरू होता है? तो जब घनात्मक और ऋणात्मक प्रभारों की गति मौजूद होती है तब शुरू होता है। किसके द्वारा लिखित मील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों लील की खेती करने वाले किसानों की दशा का और उनके शोषण का वर्णन की व्याख्या की गई है? तो दीनबंधु मित्र में यह व्याख्या है। कौन सी टेनिस श्रृंखला सिंथेटिक कोर्ट में खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में या सिंथेटिक कोर्ट में खेली जाती है। किस देश ने 2018 फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जीता है? तो स्पेन ने 2018 फीफा फेयर प्ले ट्रॉफी जीता। 1 kW एक पंप 1 मिनट में पानी की कितनी मात्रा को 10 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचाता है? तो जी बराबर यहाँ पे 10 m/s² दिया तो 600 kg आंसर होगा। ए हॉर्स बॉक्स इंटू ए बार नामक अपने उपन्यास के लिए मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसने जीता है? तो डेविड ग्रॉसमैन ने जीता है। उपजाऊ गंगा मैदान समृद्ध किस मिट्टी से बना है? तो कचारी मिट्टी से बना है। अनुगमन वेग क्या है? तो चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं।
उसी को हम लोग अनुगमन वेग कहते हैं। एक कण स्थिर परिणाम परिमाण की शक्ति द्वारा क्रियान्वित होता है जो हमेशा कण के वेग के लंबवत होता है, और कण की गति एक समतल सतह में होती है। इस प्रकार है कि गतिज ऊर्जा जो होती है वो स्थिर होती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी तो मई 2016 में शुरू की गई थी। एवोगाडो स्थिरांक का मान जो होता है वो कितना होता है, 6.02 × 10²³ होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू की गई थी मई 2016 में। एवोगाडो स्थिरांक का मान होता है 6.02 × 10²³ होता है। 80 kg द्रव्यमान का एक व्यक्ति 240 N के बल से दौड़ता है, उसका त्वरण क्या होगा, 3 m/s² उसका त्वरण होगा। एक आंकड़े में किसी प्रक्षेपण के बारंबार आने की कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो आवृत्ति कहते हैं। कौन धातु अपने मूल स्थिति में मौजूद रहती है, तो प्लेटिनम अपने मूल स्थिति में मौजूद रहती है। उत्तल लेंस की फोकल लंबाई होती है, तो उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धनात्मक होती है। कौन से तत्व के बाह्यतम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। चमगादड़ परावर्तित कौन सी तरंगे प्राप्त कर रास्ते की रुकावटों को पता लगाते हैं, तो परासर्व तरंगे जो है रास्ते की रुकावटों का पता लगाते हैं। 10 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 100 m/s के आरंभिक वेग से राइफल से निकलती है और पृथ्वी पर सामान्य स्तर पर 500 m/s के वेग से टकराती है। वायु के प्रतिरोध का सामना करके किया गया कार्य जूल में क्या होगा, तो 3750 जूल होगा। कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है, तो फ्लोएम ऊतक जो है पौधों में जो है भोजन का परिवहन करता है। संवेग की एसआई इकाई क्या है, तो kg/s जो है संवेग की एसआई इकाई। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल का नाम था सी राजा गोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम था। किसने कहा, इस बार हमें हमारा भला चाहने वाले लोगों से बचाए, तो विक्रम सेठ ने ऐसा कहा था। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की एसआई इकाई जो है वो ओम है। और फिल्म न्यूटन में किसने मुख्य भूमिका निभाई है, जिसे वर्ष 2017 में रिलीज किया गया था, तो राजकुमार राव ने मुख्य भूमिका निभाई है। आरेखित पेशियां होती है, एक कोशिकीय आरेखित पेशियां होती है। तो 158.5 m लंबी ट्रेन 46 सेकंड में 716.5 m लंबा पुल पार करती है। इस ट्रेन की गति क्या होगी, तो 72 km/h होगी। 19वीं शताब्दी में पश्चिमी संगीत तो भारत में लोकप्रिय हो गया था, और इसके परिणाम स्वरूप कौन से वाद्य यंत्रों को अपनाया गया था, तो वायलिन पियानो को जो है अपनाया गया था। यदि एथेन हाइड्रोजन क्लोराइड और ग्लूकोज के आणविक सूत्र क्रमशः C2H6HCl और C6H12O6 हैं, तो इनके संबंधित अनुभविक सूत्र क्या होंगे, तो CH3HCl और CH2O जो है इनके संबंधित अनुभविक सूत्र होंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। Cl2 के 71 ग्राम के परमाणु मौजूद होते हैं, 1.0205 × 10²24 के बराबर मौजूद होते हैं। तो 36 kg बारूद में 27 kg सोरा और 5.4 kg चारकोल और सल्फर की कुद मात्रा है, तो सल्फर की प्रतिशत होगी 10.0% सल्फर की होगी। हुमायूं का मकबरा 1570 में निर्मित किस महान वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है, तो मुगल वास्तुकला का एक अच्छा नमूना है। कौन सा दक्षिण भारत का सर्वप्रथम एवं देश का 8वां न्यायालय है, इसमें ई न्यायालय भुगतान सुविधा की शुरुआत की गई, तो मद्रास उच्च न्यायालय जो है भुगतान सेवा की शुरुआत की गई। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई है, तो किलो जूल पर मोल जो होता है आयनीकरण ऊर्जा की इकाई है। लौह सामग्री का विद्युत लेपन करने के लिए कौन सी धातुओं का उपयोग किया जाता है, तो सिल्वर का उपयोग किया जाता है। ऊतक जो पौधे को झुको कठोर और मजबूत बनाता है उसे कहा जाता है स्केलेनिन कायमा कहा जाता है। ऊतक जो पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है उसे स्केलेनिन कायमा कहा जाता है। गुलदाउदी में किस प्रकार का वनस्पतीय प्रसार देखा जाता है, तो चूषक वनस्पतीय प्रसार देखा जाता है। खेतरी खाने किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। रेल के नीचे लकड़ी के स्लीपर सहतीर इस्तेमाल किए जाते हैं, बड़ा क्षेत्र जिसमें दाब घटे। अब आते हैं हम लोग 10/12/2018 के शिफ्ट फर्स्ट पर। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। और वर्ष 1778 में अंग्रेजों ने किस राज्य में पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, तो कलकत्ता में की थी। फाइटोक्रम एक प्रशांत रूप है PC60 का, जो एक प्रशांत रूप है। pH स्केल किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता को मापता है, इसमें पी का अर्थ क्या होता है,
तो पोंटे पोटेंट जो है, जिसका जर्मन में अर्थ शक्ति पावर है। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और शेयर कर दें अपने व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप्स में, जहाँ भी शेयर करने का मौका मिलता है। और आप लोग को वीडियो कैसा लगता है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक अमेरिकी लेखक जॉर्ज सॉर्डस ने अपने किस उपन्यास के लिए फिक्शन के लिए 2017 मैन बुकर पुरस्कार जीता? तो लिंकन इन द बार्डो ने मैन बुकर पुरस्कार जीता। मयूरभंज की खदानें किस धातु के लिए मानी जाती है? तो कच्चा लोहा के लिए मानी जाती है। एक तरंग का वेग भी आवृत्ति एफ और तो वी बराबर एफ लेमडा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कोलिन कैमा उत्तक की कोशिकाएं कौन से कोनों पर मोटी हो जाती है? तो सेलुलोज और पेक्टिन के कोनों पर जो होती है वो मोटी हो जाती है। 9 ओम, 4 ओम और 12 ओम मान के 3 प्रतिरोध समांतर में जुड़े हैं, तो परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 2.2 होगा। समतुल्य प्रतिरोध जो है आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 सूत्र होता है, उसी पर यह सॉल्व किया गया है। अनंतनाग किस राज्य में एक शहर है? तो जम्मू कश्मीर में एक शहर है। नर्मदा और ताप्ती किस दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं? तो पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदियां हैं। संगाई हिरण किस राज्य का राजकीय पशु है? तो मणिपुर का राजकीय पशु है। कार्बन डाइऑक्साइड के सभी नमूनों में 3.8 के दरमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। यह किस नियम के साथ समझौता है? तो यह निरंतर अनुपात के साथ समझौता है। कौन सी धातु वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो स्वर्ण पैलेटिनम जो है वायु के साथ अभिक्रिया नहीं करती। जब 100 न्यूटन के एक बल 50 kg द्रव्यमान की एक वस्तु पर लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण की गणना कीजिए। तो उत्पन्न होने वाला जो त्वरण होगा वो 2 m/s² होगा। किस ऊतक की कोशिकाएं अलग प्रकार के अस्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती है? तो विविध ऊतक ऊतक की कोशिकाएं अलग प्रकार के ऊतक बनाने के लिए जो होती है वो आप लोग को पृथक होती है। किसने कहा वर्तमान अतीत को परिवर्तित करता है, अतीत से वह नहीं मिलता जो अपने पीछे छोड़ दिया है? तो किरण देसाई ने ऐसा कहा। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है? तो जो 8वीं अनुसूची जो है अनुसूचित भाषाओं के बारे में है। उस भौतिक मात्रा का नाम बताएं जो बल और वेग के गुणनफल के बराबर होती है? तो शक्ति इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यात्रा की शुरुआत में कार का ओडोमीटर 3000 किलोमीटर और 3000 की समाप्ति पर 3400 किलोमीटर बताता है। यदि यह इस यात्रा में 8 घंटे का समय लगाता है तो कार की औसत चाल मीटर पर सेकंड में ज्ञात कीजिए। तो 13.9 m/s जो है कार की औसत चाल होगी। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटोन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व के द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो 23 तत्व की द्रव्यमान संख्या होगी। तो यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटोन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व के द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो 23 होगी। ए बराबर पी प्लस एन। तो किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण 0 होता है? पृथ्वी के केंद्र पर फेरस सल्फेट क्रिस्टल के को टेस्ट ट्यूब में गर्म करने पर क्या उत्पाद बनते हैं? तो फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी को मिलाने पर प्लस सल्फर ऑक्साइड को मिलाने पर सल्फर ट्राईऑक्साइड बनते हैं। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किस खेल की सबसे सुंदर संरचना है? तो लाल किला की सबसे सुंदर संरचना है। हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? तो दोनों का बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, यही समानता है। आधुनिक आवर्त सारणी के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो M.J. भोसले का नाम जो है जुड़ा है। अभय बैंक और रानी बैंक महाराष्ट्र के कौन से जिले में स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव के लिए जाने जाते हैं? तो गढ़चिरौली क्षेत्र में जाने जाते हैं। राजदीप सरदेसाई को किस भूमिका के लिए जाना जाता है? तो पत्रकारिता की भूमिका के लिए जाना जाता है। आवृत्ति और कलावधि में क्या संबंध है? तो T/1/V जो है संबंध। तो सोने के तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने की को कठोर बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम क्या है? तो संवेग में परिवर्तन के बारे में वर्णन है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। द्रव्यमान व वॉल्यूम बराबर घनत्व होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? तो 18 समूह हैं। अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे के रेडियो लिंक द्वारा संप्रेषण करते हैं क्योंकि ध्वनि तरंग अंतरिक्ष में यात्रा नहीं कर सकती।
अंडाशय से अंडे के निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं, तो अंडोत्सर्ग जो है कहते हैं। स्थिर बल के लगने पर एम द्रव्यमान द्वारा वस्तु से दूरी तय करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, तो एम नॉट के समानुपाती होती है। 2016 में रिलीज हुई फिल्म दंगल में मुख्य भूमिका किसने निभाई है, तो आमिर खान ने निभाई है। और गोदावरी, कृष्णा और कावेरी और वेगई किस देश की ओर बहने वाली नदियां हैं, तो पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदियां हैं। समाधान के पीएच में क्या परिवर्तित होगा यदि इसकी हाइड्रोजन आयन सांद्रता बढ़ जाती है, तो पीएच जो है वो घट जाएगा। परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य के रावत भाटा में स्थित है, तो राजस्थान के रावत भाटा में स्थित है। कौन सी बल्ब फिल्म में प्रसिद्ध गीत द वेयर निसेस्टीज है, तो दी जंगल बुक जो है द वेयर निसेस्टीज है। 1927 में स्थापित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय एक और लाभकारी सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान है, वो किस शहर क्षेत्र में स्थित है, तो आगरा में स्थित है। एम दरमान की एक गेंद एक पी गति के साथ आगे बढ़ रही है, तो गेंद की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो पी स्क्वायर बाय जो है 2m जो होगा गेंद की गतिज ऊर्जा होगी। गैसों के लिए ए और बी वान डार वाल्स स्थिरांक है, तो क्लोरीन जो होगा ईंधन की तुलना में अधिक आसानी से पिघलता है, क्योंकि Cl2 जो होता है वो ए से बड़ा और C2H6 का ए, लेकिन Cl2 जो होता का बी से जो होता है वो C2H6 का बी होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है, हाइड्रोजन का 1 है और क्लोरीन का 36.5 है। तो अमोनियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो अमोनियम क्लोराइड का आणविक द्रव्यमान 53.5 होगा। लंबत लटके एक तार का एक सिरा निचले आखिरी सिरे से 200 न्यूटन वजन का कि संलग्न भार द्वारा तना हुआ है, वजन के तार को 1 mm तना हुआ है, तो तार में संग्रहित प्रत्यास्थ ऊर्जा 0.1 जूल होगी। भारत की किस खिलाड़ी ने पोलैंड में आयोजित अंडर-23 सीनियर वर्ल्ड कुश्ती प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, तो ऋतु फोगाट ने जीता। पौधे के एक हिस्से का गुरुत्वाकर्षण से प्रेरित दिशा में बढ़ने को कहा जाता है, तो ग्रेविट्रोपिज्म कहा जाता है। किसी स्ट्रिंग में स्थिर बल 10 न्यूटन प्रति मीटर में प्रारंभिक खिंचाव 0.20 मीटर है, तो खिंचाव को 0.25 मीटर तक बदलने में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि लगभग होती है 0.1 जूल की वृद्धि लगभग होती है। पेज और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया, तो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 कार्यक्रम शुरू किया गया। मुंबई में आयोजित जी सिने पुरस्कार 2018 में ग्लोबल आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित जी सिने पुरस्कार 2018 में ग्लोबल आइकन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया। भारत एशिया किस क्षेत्र के हिस्से में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। असम में कौन सी खान स्थित है, तो डिगबोई स्थित है। निषेचन के बाद बनता है, तो युग्मनज जो है निषेचन के बाद बनता है। धर्मनिरपेक्षता शब्द किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान के प्रस्ताव में जोड़ा गया है, तो 42वें जो है संविधान संशोधन के अधिनियम से जो है जोड़ा गया है। किसके तारीख ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक के शासन के पहले 6 वर्ष के इतिहास की जानकारी दी गई है, तो जियाउद्दीन वर्णी के बारे में दी गई। राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय किस देश में है, तो इंग्लैंड में है। तृणमूल कांग्रेस का प्रारंभ किस राज्य में हुआ, तो पश्चिम बंगाल में हुआ। चौधरी चरण सिंह जयंती या चौधरी चरण सिंह सालगिरह जयंती कब है और उसे किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, 23 दिसंबर को जो है मनाया जाता है। यदि कोई चिकित्सक 1 मिनट में 80 धड़कने गिनता है, तो धड़कनों की आवृत्ति होगी 1.33 हर्ट्ज होगी। 1 बिलियन 950 ग्राम पानी में 50 ग्राम समान नमक होता है। बिलियन के द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में सांद्रता की गणना जो होगी वो 5% होगी। भिलाई इस्पात संयंत्र है छत्तीसगढ़ का। विद्युत आवेश की ऐसा ही इकाई कुलाम है। समुद्री पुल पर भारत का पहला रनवे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया, लक्षद्वीप में। कैम्बियम को दूसरे रूप में कहा जाता है पार्श्वविभुजतक कहा जाता है। ध्वनि किसके कारण उत्पन्न होती है, तो वस्तु के कंपन के कारण उत्पन्न होती है। आधुनिक आवर्त सारणी का पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। यदि अवतल दर्पण एफ के बीच कोई वस्तु रखी गई है, तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, तो प्रतिबिंब का जो प्रकार होगा वो आवासी होगा। केरल में कौन सा तट नारियल के पेड़ों के साथ रेखांकित खूबसूरत
बैंक वाटर है तो मालवार तट जो है यह है। दो भारतीयों ने रामन मैग्सेस पुरस्कार 2018 में जीता है, उनमें से एक सोनम वांगचुक है। पुरस्कार जीतने वाले दूसरे भारतीय का नाम क्या है? तो भारत वाटवानी जो है दूसरे भारतीय का नाम। जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक और निकेल का अनुपात 4:3:2 है। 54 किलोग्राम की धातु में किलोग्राम जिंक जोड़ा जाए कि नया अनुपात 2:5:1 हो जाए तो यह 42 kg होगा। सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप किस प्रक्रिया का उपयोग करेंगे? तो ऊर्ध्वापतन या सब्लिमेशन प्रक्रिया का हम लोग उपयोग करेंगे। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C4H10 होता है। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है एफ ब्लॉक का तत्व है। किस बडिंग की प्रक्रिया द्वारा प्रजनन के लिए पुनर्जन्म कोशिकाओं का उपयोग करता है? तो हाइड्रा बडिंग के द्वारा ऐसा होता है। फूल के पुष्प जिस आधार पर उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो पुष्पासन कहते हैं। कौन सी नदी सप्त सिंधु के क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? सरस्वती नदी ऐसा होता है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु 5 मीटर/सेकंड की गति के साथ चलती है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी 250 जूल जो है उसकी गतिज ऊर्जा होगी। किसमें एक ओर से दूसरी ओर जाने पर तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होती है? तो वर्ग में ऐसा होता है। किस ईस्वी के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1206 ईस्वी और 1526 ईस्वी के बीच की अवधि दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। काकरपार परमाणु ऊर्जा स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे व्यस्त एकल रेनवे हवाई अड्डा बन गया? छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का एकल सबसे हवाई अड्डा बन गया। एक कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर/घंटा से 54 किलोमीटर/घंटा हो जाती है। त्वरण क्या होगा? तो त्वरण जो है 1 मीटर/सेकंड² होगा। आज तक 2018 MS धोनी को दिया गया प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो पद्म विभूषण है। शिवसेना किस राज्य की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है? तो महाराष्ट्र क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है। भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के पता के रूप में किसे जाना जाता है? तो लालजी सिंह को जाना जाता है। विद्युत वाहक बल का जो है मान जो है किसके बराबर होता है? तो EQ के बराबर जो होता है विद्युत वाहक बल का मान होता है। कौन सा क्षार क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है? तो बेकिंग सोडा जो है क्रिस्टलीकरण में पानी नहीं रखता है। सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? तो 2005 में। हीमोफीलिया क्या है? यह एक रोग है जो रक्त को थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जमीन जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। एक पदार्थ के घनत्व को किसके रूप में परिभाषित? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए बिलियन में मास प्रतिशत के जरिए मांस का संधारण होगा, तो 25% मांस का संधारण होगा। 150 ग्राम पानी में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए बिलियन में मांस प्रतिशत के जरिए मांस का संधारण होगा, तो 25% होगा। एक प्रमुख फिल्म अभिनेता फ्रांस के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुना गया है जिसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइट्स एंड लेटर्स कहा जाता है, तो कमल हासन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। सिंगरेणी खदानें किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना में स्थित है। भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली ने 2017 में किस फिल्म अभिनेत्री से शादी की थी? तो अनुष्का शर्मा से शादी की थी। किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है यह एक आंतरिक प्रवाह के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है, तभी किया जाता है। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कुल पदक हैं थे तो 66 पदक थे। UFO मूवीज इंडिया का फिल्म ऑन व्हील अवधारणा को क्या कहा जाता है? तो कारवा टॉकीज कहा जाता है। विमांतर की SI इकाई वोल्ट होती है। 1 पास्कल = 1 न्यूटन/मीटर² होता है। लेड नाइट्रेट के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो लेड ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड होगा। विभवांतर की SI इकाई क्या है? विभवांतर की SI वोल्ट है। 1 पास्कल = 1 न्यूटन/मीटर² होगा। लेड नाइट्राइड के तापीय अपघटन के परिणाम स्वरूप निर्मित उत्पाद क्या है? तो लेड ऑक्साइड ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड है। कौन सा उत्तक एकमात्र पादप है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो विभेद्योतक या मेरिस्टेमेटिक है। पौधे के शरीर को जड़ों तने और पत्तियों में विभेदित किसमें पाया किया जाता है? तो मर्सिलिया में किया जाता है। भारतीय सेना का कौन सा पद MS धोनी को प्रदान किया गया है? तो लेफ्टिनेंट कर्नल का पद जो है MS धोनी को प्रदान किया गया। कार्बन का कौन सा समस्थानिक रेडियोधर्मी होता है और रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए उपयोग किया जाता है? तो कार्बन-14 जो है। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाला पहला भारतीय व्यक्ति है? तो गोपी
थोनाकल जो है पहला भारतीय व्यक्ति है। उत्तर प्रदेश का शहर सहारनपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो लकड़ी और नक्काशी का कुटीर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। पारो आनंद के साहित्य अकादमी का बाल साहित्य पुरस्कार 2017 उनकी लघु कथा संग्रह के लिए दिया गया था, जिसका शीर्षक था वाइल्ड चाइल्ड एंड अंडर स्टोरी जो है उसका शीर्षक था। भारत की साइखोम मीराबाई चानू के संयुक्त राज्य अमेरिका के अनहीम में आयोजित विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जीता है स्वर्ण पदक। खबरों में अक्सर देखे जाने वाला शिक्षा का अधिकार कानून 30 वर्ष लागू हुआ तो 2010 में लागू हुआ। कौन सा प्रोटीन संकुचित और शिथिल होता है जिसके कारण पेशियां गतिमान होती है? तो संकुचनशील। पृथ्वी का द्रव्यमान 6×10^24 kg होता है। कभी की कोशिकाएं भित्तियां किससे बनी होती है? तो कैटिन से बनी होती है। शुक्रवाहिका मूत्राशय से आने वाली ट्यूब के साथ जुड़कर एक सामान्य मार्ग का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है मूत्र मार्ग। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। उस व्यक्ति एक अव्यवसाय पहलवान का नाम बताए जिनकी जिंदगी पर दंगल फिल्म बनाई गई है? तो महावीर सिंह फोगाट। और डिगबोई खानों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है पेट्रोलियम पाया जाता है। एक बेलन और एक शंकु के जिसने आधार की त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है और R1 जो है बड़ा है, R2 से का द्रव्यमान एक समान है। बेलन द्वारा लगाया गया बल होगा, शंकु से कम होगा। यदि पत्तियों की सरसराहट तीव्रता 10^-11 पर Wm/2 हो तो उस वक्त सरसराहट की कारण तीव्रता क्या होगी? तो 10 dB तीव्रता होगी। इसका फुल फॉर्म मुझे नहीं पता है तो मैंने इस क्वेश्चन को कभी कवर नहीं किया है, तो शायद इसमें जो भी प्रॉब्लम हो रहा है यदि आप लोग को तो आप मुझे पूछ सकते हैं, तो गूगल कर लीजिएगा आपको पता चल जाएगा। पुरस्कार विजेता फिल्म लिटिल मैजिशियन किस भाषा में बनाई गई थी? तो अंग्रेजी में बनाई गई थी। राठरकेला स्टील प्लांट स्थित है उड़ीसा में स्थित है। तो राउरकेला स्टील प्लांट स्थित है उड़ीसा में। आयनीकरण ऊर्जा की इकाई है किलोजूल पर मोल। उड़ीसा की उदयगिरी की हाथीगुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखा। खाड़वेल आर्य समाज को कौन सी छोटी जनजातियों में बांटा गया था? तो बीस से उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है पूर्वांचल। अंडब के नीचे हिस्से के फूल भाग को कहा जाता है अंडाशय। किसी भी गति से चलने वाले एम द्रव्यमान का एक कण किसी दूसरे एम द्रव्यमान वाले स्थिर एक कण के साथ सामने से टकराता है। टकराव के बाद पहले कण का वेग क्या होगा? तो पहले कण का वेग जो होता है वो शून्य होता है। अंडब के नीचे हिस्से के फूले भाग को क्या कहा जाता है? तो अंडाशय कहा जाता है। किसी भी गति से चलने वाले एम द्रव्यमान के एक कण किसी दूसरे एम द्रव्यमान वाले स्थिर कण के साथ भागने में सामने से टकराता है। टकराव के बाद पहले कण का वेग क्या होता है? तो पहले कण का वेग शून्य हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 1 वाले तत्व को कहाँ रखा जाता है? तो समूह एक में रखा जाता है। शंघाई सहयोग संगठन SCO 37 मिशन 2018 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो रूस में आयोजित किया गया था। लिटमस बिलियन एक बैंगनी डाई है जिसे उसे कहा किससे निकाला जाता है? तो काई लाइकेन से निकाला जाता है। 71 वर्षीय रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में कब चुने गए? तो जुलाई 2017 को 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। 1 kWh बराबर कितना होता है? तो 1 kWh बराबर 36 लाख जूल होता है। 1 kWh बराबर 36 लाख जूल होता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अमरनाथ तीर्थ स्थान के मार्ग में तीर्थयात्रियों को सेवा प्रदान के लिए 12,700 फीट ऊंचाई की जो है ऊंचाई पर एक टैली मेडिसिन केंद्र स्थापित करने के लिए किस राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया? तो जम्मू व कश्मीर राज्य सरकार के साथ हाथ मिलाया। CO2 के 20 ग्राम को मोल में कैसे व्यक्त करेंगे? तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो हाफ मोल होगा। उत्तर प्रदेश में कांच की चूड़ियों के नाम के लिए प्रसिद्ध है फिरोजाबाद। कोलोबिया किस शहर में लोकप्रिय है? तो राजस्थान। जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तदनुसार लवण कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी बनाता है, इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही समीकरण है Na2CO3 3 5 है दिया हुआ है, 3 ग्राम दिया हुआ है और 2HCl एक्वेरियम दिया हुआ है। यदि इसको अभिक्रिया करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2NaCl एक्वेरियम प्लस H2OI प्लस CO2 जो है ग्राम में।
क्योंकि इसके धर्म द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है, तो यौन प्रजनन जो अधिक विविधता की अनुमति दी जाती है। कौन सी योजना का लक्ष्य और ऊर्जा द्वारा संचालित पाइप से जल आपूर्ति गाँव में प्रदान की जाती है, तो स्वल योजना द्वारा, स्वजल योजना द्वारा। महाकाव्य रामायण किसने लिखा, तो वाल्मीकि ने लिखा। तनों और जड़ों के पोषक तत्वों और पानी को भी संग्रहित करते हैं, तो मृदूतक संग्रहित करते हैं। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे धनी देश की सूची में कितना कौन सा स्थान है, तो जिसके अनुसार 2017 में भारत की परिसंपत्ति 82 अरब डॉलर थी, तो छठा स्थान जो है भारत का है। न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को सबसे धनी देश की सूची में कितना स्थान, कौन सा स्थान मिला है, जिसके अनुसार 2017 में भारत की परिसंपत्ति जो है 82 अरब डॉलर थी, तो छठा स्थान मिला है। नेल्सन मंडेला की जीवनी का शीर्षक क्या है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। भारत के साथ स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है, तो श्रीलंका। न्यूटन गति का दूसरा नियम है, जड़त्व के नियम से भी जाना जाता है। एक लड़के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध किए गए कार्य की मात्रा कितनी है, जिससे वह 3 किलोग्राम वजन की वाली साइकिल को समतल सड़क पर 10 मीटर की दूरी तक ले जाता है, तो जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ 0 जूल होगा। कौन से भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी PSA महिला रैंकिंग के शीर्ष 10 में शामिल होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई, दीपिका पल्लिकल कर दी। एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, तो सी पर रखा जाना चाहिए। किसने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में है, न कि पृथ्वी की, उस समय की मान्यता के विपरीत है, गैलीलियो गैलीली। तो एक अवतल दर्पण में सी पर समान आकार का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए था, तो सी पर। किसने तर्क दिया था कि सभी ग्रह सूर्य के कक्ष में है, न कि पृथ्वी की, उस समय की मान्यता विपरीत थी, गैलीलियो गैलीली की। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने स्वर्ण पदक जीते, तो 26 स्वर्ण पदक जीते। तत्वों का वर्गीकरण क्यों महत्वपूर्ण है, तत्वों के गुण का सुविधाजनक ढंग से अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। तत्वों का प्रतिरोध करने के पिंड की प्रवृत्ति को कहा जाता है, तो जड़त्व कहा जाता है। एड्स का पूर्ण नाम क्या है, एक्वायर्ड ह्यूमन डिफिशियंसी सिंड्रोम। मौर्य काल का साहित्यिक स्रोत में इंडिका और क्या शामिल है, तो अर्थशास्त्र। एक वस्तु का भार 98 न्यूटन है, जिस पर इसका द्रव्यमान कितना होगा, तो जी यहाँ पे 9.8 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो 10 kg इसका द्रव्यमान होगा। सतपुरा रेंज में माउंट गोपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है, जो स्थित है मध्य प्रदेश में। चांदी पर कौन सी कोटिंग संरक्षण का उदाहरण है, तो काले। जीवों में भिन्नता से होता है विविधता की उत्पत्ति और विकास। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ वह यौगिक बनाता है जिसमें कितने परमाणुओं की श्रृंखला होती है, तो 7 या 8। ध्वनि तरंग का आयाम क्या निर्धारित करता है, तो प्रबलता। 2017 की फिल्म पिक में मुख्य अभिनेता की किसने निभाई थी, तो अमिताभ बच्चन ने निभाई थी। 2017 की फिल्म पिंक में मुख्य अभिनेता की भूमि किसने निभाई, तो अमिताभ बच्चन ने। एलके आडवाणी के क्षेत्र में उनके योगदान हेतु लोकप्रिय है, तो राजनीतिक क्षेत्र में उनके योगदान हेतु लोकप्रिय है। कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है, तो इलेक्ट्रॉन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और नगद रिवर्स रिजर्व अनुपात नियमित अंतराल पर किस बैंक के द्वारा तय किए जाते हैं, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा तय किए जाते हैं। कौन सा ऊतक पौधों को लचीलापन देता है, तो स्थूल कोण ऊतक जो है पौधों को लचीलापन ऊतक देता है। पुष्प के प्रजनन भाग है पुंकेश्वर और अंडप। विश्व आर्थिक संघ WEF द्वारा किस भारतीय सिनेमा कलाकार को क्रिस्टल अवार्ड 2018 सम्मानित किया गया, तो शाहरुख खान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रकृति रूप से मिलने वाली कितनी अक्रिय गैस होती है, तो 6 अक्रिय गैस होती है। स्वतंत्रता हेतु भारत के संघर्ष के दौरान किसने केसरी और मराठा समाचार पत्र निकाला न शुरू किया, तो बाल गंगाधर तिलक ने। 25 डिग्री सेल्सियस पर अल्मोनियम में ध्वनि की गति कितने मीटर पर सेकंड में होती है, 6420 मीटर पर सेकंड में होती है। दुनिया के पहले मानव जैसे दिखने वाले रोबोट का नाम क्या है, जो हिंदी में बोल सकता है। इस रोबोट को 2018 में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया, तो रश्मि। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मुख्य वास्तुकार कौन है, जिसका उद्घाटन 2 अक्टूबर 2018 में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया, तो राम बी सुतार। किन धातुओं को चाकू से काटा जाता है, तो लिथियम सोडियम और पोटेशियम को चाकू से काटा जाता है। मेंडलीफ ने जब अपना कार्य अपना
शुरू किया तब उस समय कितने तत्व थे ज्ञात है, तो 63 ज्ञात तत्व थे। बगलियार बंध किस नदी पर बनाया गया, तो चेनाब पर। यदि कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका संभावित पीएच होगा 10। शरीर का कौन सा वह बल है जिसका इसके साथ पृथ्वी इससे आकर्षित करती है, तो वजन जो है पृथ्वी से आकर्षित करती है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक किस प्रधानमंत्री की जीवनी पर आधारित है, तो मनमोहन सिंह। आणविक विज्ञान में ऊर्जा को अक्सर किसे वोल्ट की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन को। धर्मांतरण त्वरण बराबर बल होता है। भारत के सरकारी योजनाओं में से किसका उद्देश्य लोगों के वित्तीय समावेशन को बढ़ाना है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना का। 10 kg द्रव्यमान का 1 पिंड 6 m/s के नियत वेग से गतिमान है। इस पिंड द्वारा नियत गतिज ऊर्जा होगी 180 J जो है नियत गतिज ऊर्जा होगी। दृढ़ उत्तक कोशिकाओं की कोशिका भित्तियां किसके कारण मोटी हो जाती है, तो लिग्निन के कारण। किस विषय में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु सरस्वती सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया जाता है, तो साहित्य। ऋषण ग्रंथियां किसकी भित्ति में उपस्थित होती है, तो पेट में। और कौन सा दर्पण सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाता है, प्रतिबिंब के आकार के वस्तु को आकार के बराबर दिखाता है, तो समतल दर्पण। पी परमेश्वरन को किस विषय में अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो साहित्य और शिक्षा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 2018 में श्रीनिवास राव के किस खेल की प्रशिक्षण के लिए प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित किया गया, टेबल टेनिस। चित्रकारी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 2018 में किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, तो लक्ष्मण पाई। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है, उन्होंने मई 2018 में इस उपलब्धि को हासिल किया, तो शिवांगी पाठक। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने 2018 में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, तो स्मृति मंदना ने किया था। यमुना भारत की किस प्रमुख नदी की सहायक नदी है, तो गंगा की सहायक नदी है। एस मीराबाई चानू को किस खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भारोत्तोलन। उठे हुए हथौड़े में कौन सी ऊर्जा निहित होती है, तो स्थितिज ऊर्जा। पानी का अपेक्षित द्रव्यमान कितना होता है, तो 18 ग्राम पर मोल होता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na2CO3 जो होता है। और अगस्त 2018 में पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे शपथ ली थी, तो इमरान खान ने। तापमान कैसा इकाई क्या है, तापमान कैसा इकाई केल्विन है। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 होता है। अगस्त 2018 में पाकिस्तान में 22वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली, तो इमरान खान ने। तापमान की एसआई इकाई क्या है, केल्विन है। पास्कल की एसआई इकाई क्या है, दाब है। कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है उभयधर्मी है। विद्युत धारा किसके बराबर होती है, तो विद्युत धारा IQ/T के बराबर होती है। एक तत्व एक परमाणु क्रमांक 15 है, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो इसका रासायनिक सूत्र नाइट्रोजन होगा 7। तो धातु एक दूसरे को उनके अनुसार भी स्थापित कर सकते हैं, तो प्रतिक्रियाशीलता के अनुसार भी स्थापित कर सकते हैं। दो निकायों के बीच हमेशा बराबर और विपरीत होता है बल। 10 kg द्रव्यमान वाली 10 g द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 m/s के वेग से गतिमान है, तो वस्तु की निहित ऊर्जा कितनी होगी, तो 80 J वस्तु की निहित ऊर्जा होगी। दो निकायों के बीच बल हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ 80 J जो है उसकी 10 g द्रव्यमान वाली एक वस्तु 4 m/s के वेग से गतिमान है, तो वस्तु की निहित ऊर्जा 80 J होगी। एक कार एक विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है, एक सीधी सड़क पर 8 s के लिए 3.0 m/s की दर से त्वरण करती है, इस दौरान कार द्वारा तय की गई दूरी 96 m होगी। किस खेल में वर्डी और ईगन शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो गोल्फ में। एन भुजाओं वाले एक बहुभुज कितने किनारे होंगे, तो एन। भारत में कौन मौत की सजा के को कम करने की शक्ति प्राप्त करता है, तो राष्ट्रपति। एक प्रसिद्ध बाल फिल्म ब्लू अम्ब्रेला को किसके द्वारा निर्देशित किया गया है, तो विशाल भारद्वाज के द्वारा जो है निर्देशित किया गया है। भारतीय सेना के रक्षा वेतन पैकेज पर सेना और विकास बैंक के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए थे, भारतीय स्टेट बैंक के द्वारा। अंकुर मित्तल को किस क्षेत्र के लिए अर्जुन पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था, निशानेबाजी। जूल गुलाम जैसा ही है एक वॉल्ट। UIDAI का पूरा नाम क्या है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया।
बी लीटर आयतन की एक कुप्पी 0.2 मोल जी और ओ टू और 0.4 मोल एन टू और 0.1 मोल एन एस टू और 0.3 मोल एच ई गैस 27 डिग्री सेल्सियस पर रखे हुए हैं। इन अक्रिय गैसों द्वारा लगाया गया दाब एक एटीएम हो तो एन टू गैस द्वारा लगाया गया आंशिक दाब क्या होगा? 0.4 एटीएम होगा। एक संतान का लिंग किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो नर युग्मक डीएनए द्वारा। बॉक्साइट खाने किस राज्य में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? तो उड़ीसा में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस के कारण निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? फोकस बिंदु पर होगी। फिल्म मैरी कॉम में मुख्य भूमिका निभाने वाले अभिनेत्री कौन है? प्रियंका चोपड़ा है। शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो पंजाब का। ग्रेट इंडियन डिजर्ट को दूसरे क्षेत्र नामों से भी क्या कहा जाता है? तो रेगिस्तान कहा जाता है। ठीक 10 गुणक वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो 48 है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारतीय पुरस्कार को हॉकी टीम का स्थान क्या है? तो 4 है। धोनी की विशेषता जिसके एक समान प्रबलता धोनी और पिच की दो धोनियों के बीच अंतर बताया जा सकता है को क्या कहते हैं? तो गुणवत्ता। तारापुर में परमाणु ऊर्जा स्टेशन तारापुर किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कौन सी कोशिकाएं एक डेड आयु में अंतः स्थापित होती है जो कैल्शियम और फास्फोरस से बना है? तो अस्थि। निषेचन में होता है योनि। और मेंडलिप की आवर्त सारणी में आदर्श गैस की स्थिति क्या होती है? तो उस समय तक आदर्श गैस की खोज नहीं हुई थी। ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या है? तो C4H6 होता है। और एक सतह पर वस्तु द्वारा लगाया गया परमाणु थ्रस्ट किसके बराबर होता है? तो वस्तु के भार के बराबर। पथेर पंचाली किसने लिखी हुई थी? विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखी हुई थी। ब्यूटाइन का आणविक सूत्र क्या होगा? C4H6। एक सतह पर एक वस्तु द्वारा लगाया गया परमाणु थ्रस्ट किसके बराबर होता है? तो वस्तु के भार के बराबर। पथेर पंचाली किसके ने लिखी थी? तो विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने लिखी थी। बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। यदि कोई बल F किसी वस्तु पर विस्थापन S की दिशा में लग रहा है तो कार्य कितना होगा? तो कार्य जो होगा वो F इंटू S होगा। तो अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 का ऑल टू SO4 होता है। लोहे में जंग लगने के दौरान लोहे पर लाल भूरे चून का हस्तांतरण या कटिंग होता है। किस खेल में ऐसे और एडवांटेज शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो टेनिस में जो है एस और एडवांटेज शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जहाजरानी मंत्रालय ने किस शहर में बंदरगाहों जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र NTCPWC के गठन का आधारशिला रखी और NTPCPCW बंदरगाहों और समुद्री क्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की? तो चेन्नई ने। किस राज्य ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 को सबसे फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार दिया? तो उत्तर प्रदेश ने। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होता है यांत्रिक ऊर्जा। पत्र में भारत सरकार द्वारा किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मदन मोहन मालवीय को सम्मानित किया गया। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वॉलीबॉल से संबंधित है। किस खेल में क्रॉल बैकस्ट्रोक और बटरफ्लाई शब्दों का प्रयोग है? तो तैराकी में। वस्तु को जब किसी के बीच रखा जाता है तो अवतल दर्पण एक आवासीय सीधा और अविवादित छवि बनाता है एफ और पी के बीच में। किसी तत्व में 3 कक्ष होते हैं जो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन से भरे होते हैं? तो आर्गन में। किस भारतीय शहर को महल का शहर बनाया जाता है? तो मैसूर को। बच्चों के बीच कुपोषण और स्टिंग मोनापन का सामना करने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा सरकारी योजना शुरू की गई थी? तो पोषण अभियान। और वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक के रूप में किसका उपयोग निकल किया जाता है? तो निकेल का। लेंस का सूत्र क्या होगा? तो 1/V-1/U=1/F होता है। कठोर जल का सामान बनाने के लिए किस सोडियम युग्म का उपयोग किया जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सी वायुमंडल में उपस्थित नहीं होती है? तो O2 जो वायुमंडल में उपस्थिति नहीं होती है। भी वेग से गतिमान m द्रव्यमान के एक पिंड का संवेग क्या होता है? तो mv होता है। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होने वाले कार्बन नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड क्या है? तो अम्लीय ऑक्साइड है। और कौन सा प्रोटीन मांसपेशियों के उत्तकों को संकुचन और आंदोलन को कारण बनने में मदद करता है? तो सिकुड़ा हुआ प्रोटीन। प्रसिद्ध पुस्तक न्यू इंडिया के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। फिल्म पिंक ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2017 में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जीता? तो सामाजिक मुद्दों पर फिल्म के लिए जीता।
कौन सी धातु ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती? तो जिंक जो है ठंडे पानी या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती। 14 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का जन्मदिन मनाया जाता है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। किसमें मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप बच्चा पैदा होता है? तो गर्भाशय में। किस पदार्थ के घनत्व को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों आज आप लोगों का टोटल 107 सेट कंप्लीट हो चुका है, जो कि इस बुक में जितना सारा सेट था वो सारा सेट जो है आप लोग को कंप्लीट हो चुका है। आगे का यदि आप लोग को सेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को जो है ऑफिशियल सेट जितना भी होता है मैं उससे तहत जो है आगे के जितने सारे बचे हुए सेट्स हैं वो मैं करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।